तो चलिए हम इस क्लास में जो मोबाइल फ़ोन के बोर्ड में कंपोनेंट्स होते हैं उसको कैसे हम इजीली निकाल और लगा सकते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। आप देख रहे हो एक मोबाइल का बोर्ड है और इसमें लगे जो कंपोनेंट्स, आप देख रहे हो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो उसको निकालना और लगाने का प्रोसेस मैं आपको इस क्लास में सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। जैसे कोई भी कंपोनेंट अगर हमें निकालना है, रिप्लेस करना है, तो हम इस तरह का टेप का यूज़ करके जो आईसी होते हैं उसको कवर कर सकते हैं, या जो प्लास्टिक का कनेक्टर होता है, प्लास्टिक का पार्ट होता है, उसको हम इस तरह का टेप से कवर कर सकते हैं। तो जो भी कंपोनेंट हमें निकालना है उसके अगल बगल के जो आईसी है उसको पहले हम कवर करेंगे, जिससे हमारा आईसी ख़राब ना हो। क्योंकि कंपोनेंट निकालने के टाइम में अगर आईसी को हीट ज़्यादा लग जाता है तो हमारा आईसी फॉल्ट होने का, ख़राब होने का चांस रहता है। तो इसीलिए आईसी को कवर करना सबसे पहला काम होता है हमारा। और चलिए मैं आईसी को कवर कर देता हूँ। जैसे बीच में एक छोटा सा आईसी है, उसमें हम थोड़ी सी टेप लगाएंगे, और इसके बगल के जो बड़े आईसी है उसको भी हम इस तरह से टेप लगा के कवर करेंगे। तो कवर करने से ये आईसी प्रोटेक्ट हो जाता है। जो भी कंपोनेंट आपको रिप्लेस या रिमूव रिप्लेस करना है उसको आप ऐसे ओपन रख सकते हो, मतलब आईसी के अलावा जो और एरिया है उसको आप ओपन रख सकते हो, या जिस एरिया में आपको काम करना है उस कंपोनेंट को आप बाहर रखें, और जो अदर आईसी वाले एरिया है या कनेक्टर वाले जो एरिया है उसको आप कवर कर दें इस तरह से, जिसके कारण आपका आईसी फॉल्ट नहीं होगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, जो इसके बगल के जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो तीन कॉइल्स है, कुछ कैपेसिटर्स है, तो हम इसको एक एक करके निकाल के और लगाने का प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये जो कॉइल आप देख रहे हो, दो कॉइल है यहाँ पे, दोनों कॉइल को निकाल के और लगा के आपको दिखाता हूँ। और जैसे कोई भी काम आपको करना है तो डायरेक्टली, अभी नए एडवांस टेक्नोलॉजी आ गए हैं जिसका यूज़ करके आप इजीली कंपोनेंट को निकाल और लगा सकते हो, लो वो भी लो टेम्परेचर में। पहले कंपोनेंट को निकालने के लिए मिनिमम 350 का टेम्परेचर देना होता था, लेकिन अभी आप 300 के टेम्परेचर में भी, या 320 या 290 के टेम्परेचर में भी आप कंपोनेंट को निकाल और लगा सकती हो। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इस तरह का एक पेस्ट चाहिए, आप देख रहे हो एक पीपीटी पेस्ट है रियल लाइफ का, और इसका जो टेम्परेचर है वो आप देख रहे हो 138। तो एक कम टेम्परेचर में पिघलने वाला एक तरह का पीपीटी पेस्ट है। इस पेस्ट का बहुत ही थोड़ा सा क्वांटिटी आपको लेना है, और जो भी कंपोनेंट आपको रिप्लेस करना है उसमें इसको लगा देना है। तो चलिए मैं बहुत ही थोड़ा सा कंपोनेंट, थोड़ा सा पेस्ट लेता हूँ, बहुत ही थोड़ा लेना है, और फिर और जो भी कंपोनेंट आपको रिप्लेस करना है उसमें लगा देना है इस तरह से। कंपोनेंट के दोनों साइड में आपको थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। चलिए लग गया है पीपीटी पेस्ट हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो हॉट गन है उसका टेम्परेचर को 300 में रखते हैं। अब जल्दी निकालना चाहो तो हाई टेम्परेचर भी कर सकते हो, लेकिन सेफ लो टेम्परेचर होता है, 300 में रखना है। एयर को अब देख रहे हो 4 में रखा हुआ है मैंने, और फिर हम इस कंपोनेंट को हीट करेंगे, और ये कंपोनेंट बहुत ही जल्द निकल जाना चाहिए। जो नॉर्मल पेस्ट से निकालते हैं उससे बहुत ही फास्ट ये कंपोनेंट निकलना चाहिए। थोड़ा पीपीडी पेस्ट और हमें लगाना होगा इस साइड में। चलिए पीपीडी पेस्ट पिघल के ऑटोमेटिक इस साइड में भी आ रहा है।
इस काम को करने के लिए आपको जो ट्वीजर है वो थोड़ा पतला वाला चाहिए, और इसका जो टिप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे आप इजीली कंपोनेंट को पकड़ के और इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो इसको टाइम लगेगा, लगभग 2 मिनट के करीब में टाइम लग सकता है, आपको वेट करना है, ज़बरदस्ती नहीं निकालना है इसको। देख रहे हो कंपोनेंट निकल चुका है। तो इस तरह से हम कंपोनेंट को निकाल सकते हैं लो टेम्परेचर में भी, और जल्दी भी निकाल सकते हैं। और इससे क्या होगा, लो टेम्परेचर में काम करने पर हमारा जो अगल बगल के पार्ट होते हैं उसमें फॉल्ट होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है, मतलब न के बराबर रहता है। तो कंपोनेंट निकल चुका है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है उसको एक बार क्लीन करेंगे, इस एरिया को एक बार हम क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के लिए थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करना है आपको। पेस्ट अप्लाई करके आप आयरन से भी क्लीन कर सकते हो इसको। और यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत ही कम पीपीडी पेस्ट का अप्लाई करना है। जो पीपीडी पेस्ट होता है उसका बहुत ही थोड़ा, एकदम थोड़ा सा क्वांटिटी आपको इस एरिया में अप्लाई करना है। बहुत ही लो क्वांटिटी अप्लाई करना है, और फिर आयरन से इसको मेल्ट कर लेना है। चलिए देख रहे हो मेल्ट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एरिया है उसको क्लीन करना है, थोड़ा सा ठंडा होने देना है, और ये थोड़ा गर्म है। चलिए मैं अभी कर लेता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा इसको कूल होने देना है, थोड़ा एक मिनट के लिए छोड़ सकते हो, फिर इसको क्लीन कर लेना इस तरह से, क्योंकि इसमें जो भी पीपीडी पेस्ट का जो बाकी पार्ट होगा वो निकल जाएगा, एरिया क्लीन हो जाएगा। अगर ऐसे ही हम छोड़ देते हैं तो फिर शॉर्टिंग होने का खतरा हो सकता है, जैसे जो पीपीडी पेस्ट होता है वो अगल बगल के पार्ट में भी लगे रहते हैं, जिसके कारण शॉर्टिंग होने का चांस होगा। आप देख रहे हो एक पीपीडी पेस्ट का एक बॉल यहाँ पर बैठा हुआ है, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हो इस तरह का पार्ट कहीं पे बाकी नहीं होना चाहिए, और इस तरह का पार्ट अगर बाकी रह जाता है तो फिर जो बोर्ड है उसमें शॉर्टिंग का इश्यू आ सकता है, तो उसका ध्यान ज़रूर दें आप। और कंपोनेंट को निकालने के बाद चलिए हम फिर से यहाँ पे कंपोनेंट को लगाते हैं। फिलहाल के लिए मैं सेम कंपोनेंट को लगा रहा हूँ, आप चाहो तो दूसरा कंपोनेंट को लगा सकते हो। मैं कंपोनेंट को निकालने और लगाने का प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए कंपोनेंट को लगाने के लिए हमने क्या किया, जो प्रोसेस है पीपीडी पेस्ट का अप्लाई किया वहाँ पे थोड़ा सा, और कंपोनेंट को लगाने से पहले आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा रोजिन पेस्ट का अप्लाई कर सकते हो। जिसे रोजिन क्या करता है, आपका जो कंपोनेंट है उसको इसमें चिपकने के लिए हेल्प करता है। बहुत ही छोटा पार्ट रोजिन का, बहुत ही छोटा पार्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो, या डायरेक्ट पेस्ट अप्लाई करने से भी होगा। अगर रोजिन है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको काम करने में। तो चलिए मैं रोजिन का एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ, और यहाँ पे रख देता हूँ।
हमने रूदीन का एक टुकड़ा रख दिया है और इसको थोड़ा सा हम मेल्ट कर लेते हैं, इसको आयरन से इस तरह से मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट करने से यहाँ पे जब हम कंपोनेंट को लगाएंगे तो कंपोनेंट हमारा उड़ेगा नहीं, मतलब कंपोनेंट को ये पकड़ के रखता है जिससे हमें कंपोनेंट लगाने में आसानी रहता है। कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे रख दिया है और इसको इसका पोजीशन को सीधा कर लेते हैं। चलिए अब इसको हीट करेंगे सेम, क्या थोड़ा सा लो टेम्परेचर करने से भी होगा, फिलहाल हम सेम टेम्परेचर पे करते हैं। तो चलिए कंपोनेंट लग गया है, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद ऑटोमेटिक इससे चिपक जाएगा, देख रहे हो कंपोनेंट लग चुका है, नहीं हिल रहा है अपने पोजीशन से। और इसको हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे थोड़ा सा फिर से, क्योंकि एरिया गंदा हो गया है। काम करने पर पेस्ट लगाने पर एरिया गंदा हो जाता है, उसको आपको क्या करना है, लिक्विड डाल के क्लीन करना है, थोड़ा सा ठंडा होने देना है, फिर क्लीन करना है। देख रहा हूँ अभी गर्म है और इस तरह से करने पर इसमें थोड़ा सा तो एरिया को, मतलब इस पार्ट को थोड़ा सा ठंडा होने दे और फिर क्लीन करें तो बेहतर रहेगा। क्लीन करने का पर्पस होता है यहाँ का जो जितने भी पेस्ट है वो निकल जाए और जो पीपीडी पेस्ट का जो बबल होता है वो भी निकल जाए, क्योंकि पीपीडी पेस्ट का बबल के चलते भी इसमें शॉर्टिंग आने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए कंपोनेंट लग चुका है, अब देख रहे हो क्लियर क्लीन है, तो आपका काम भी क्लीन होना चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए, एक काम को 10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका काम क्लीन होते चला जाएगा। और इस तरह से आप बोर्ड में लगे जो कंपोनेंट होता है उसको निकाल और लगा सकते हो बहुत ही आसानी से। थोड़ा सा आपको टेक्निक लगाना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और बहुत ही आसानी से आप कंपोनेंट को निकालने और लगाने का काम कर सकते हो। आपके पास माइक्रोस्कोप है तो बेटर रहेगा, माइक्रोस्कोप नहीं है तो फिर आप अपने मोबाइल का जो कैमरा है उसको जूम करके उसमें कैमरा को ऑन करके उसमें कैमरा को जूम कीजिए और इस तरह के जो काम है उसको इजीली आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था कंपोनेंट निकालने और लगाने का प्रोसेस, और इसी तरह से आप बहुत सारे अदर कंपोनेंट को भी निकालने और लगाने का काम कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करना होगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप इजीली कंपोनेंट को निकाल और लगा सकते हो। ये थोड़ा सा छोटा काम है विदाउट प्रैक्टिस और विदाउट अच्छी तरह प्रॉपर टूल, इसको करना थोड़ा सा लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर विदाउट पीपीडी पेस्ट हम इसको करते तो हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता और इसके कारण हमें हीट भी ज़्यादा देना होता।